रांची में आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मवेशी मंडी के अंदर गेट से एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन चौकीदार साहब बैठे हुए हैं, इनसे इजाज़त भी ले लिया मैंने, और चलो इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? फिर से आप किधर से आए? मैं कराची से आया हूँ। शेयर करने आए? जी हाँ, शेयर करने आए, विजिट करने आए, घूमने आए, फैमिली को दिखाने के लिए आए। आपका क्या नाम है? नाम है दयाल सिंह। दयाल सिंह, दयाल सिंह अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें इजाज़त दी है अंदर विजिट करने की, तो चलो हम लोग विजिट करके आते हैं और आप देखते रहे, आपको भी दिखाते हैं। मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों, ये काफ़ी बहुत बड़ा मैदान है और आज तो मवेशी मंडी नहीं लगी हुई, लेकिन कुछ ऊँट यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं बेचने के लिए। तो बख्शली साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने का ऊँट है। बख्शली साहब, ये कितने का ऊँट है? 2 लाख है यार। 2 लाख रुपये? हाँ। तो दोस्तों, ये 2 लाख रुपए का ऊँट है। एक ऊँट बड़ा जानदार है और बिल्कुल शौकिया तौर पर इनको, मतलब इनको खिलाया पिलाया जाता है और अच्छे से इनको पाला जाता है, फिर इनको बेचा जाता है। और कराची मंडी में जो आपको ऊँट मिलते हैं वो यहाँ से छांटी करके ले जाते हैं। भाई साहब आ गए, उर्दू में बात कर सकते हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कितने का ऊँट है? एक ये एक 60 का, 70 का। 1,60,000 1,60,000 तकरीबन 2 लाख में जाता है। 2 लाख रुपए में बिकता है। और इसको क्या क्या खिलाते हैं आप? इसको कुट्टी खिलाता है, ग्वार की कुट्टी। ग्वार की चूरी बना के इसको खिलाई जाती है। और ये सारे ये आपके नहीं है, कोई किसका है, कोई किसका है, ये मुख्तलिफ लोगों के हैं, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर खड़े किए हुए ताकि ये यहाँ पर सेल कर सकें। तो चलो दोस्तों, ऊँट दिखाते हैं आपको, किस किस्म के जानदार ऊँट है। ये काटते तो नहीं है? देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये काटते नहीं है और ऊँट का कुछ पता भी नहीं चलता कब ऊँट को गुस्सा आ जाए। तो आप देख सकते हैं, अल्लाह बख्श भाई बता रहे हैं कि वहाँ और ऊँट भी मौजूद है, तो चलो आप ऊँट देखते हैं। और बच्चे ऊँट को देख कर डर के वहाँ पर बैठ गए। बाकी जैनब मेरे साथ है। जैनब, कैसा लग रहा है ऊँट को देख के आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है जैनब को, बहुत अच्छा लग रहा है ऊँट को देख। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा, इनको भी अच्छा लग रहा है। और चलो दोस्तों, आपको और ऊँट दिखाते हैं। अच्छा, मंडी कब लगती है? मंडी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन, यानी पीर को मंडी लगती है। अगर किसी को ऊँट चाहिए तो यहाँ हाला में आके ऊँट खरीद सकता है। पीर के दिन मंडी लगती है। 1,60,000 1,70,000 सायस उम्र के दिन, उसको सायस उम्र कहते हैं। सायस उम्र यानी महीने का जो आखिरी जो पीर होता है तब लगती है मंडी। पंजवी छवी की तारीख का महीने के आखिरी पीर को मंडी लगती है। ऊँट आप देख सकते हैं, बड़ा ही खतरनाक ऊँट लग रही है, मस्ती कर रही है। ये नक माता क्या करता है? ये नकली पहना रहे और गुस्सा कर रहे हैं। को डर लग गया, देना भाग गई। यहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों, चलो ऊँट को नकली पहना दिए। अब चलो चलते हैं, देखते हैं अच्छी नस्ल वाला ऊँट दिखा रहे हैं हमें ये साहब, बख्शली साहब हमें। दोस्तों चलो चलते हैं बख्शली साहब के साथ और बख्शली साहब हमें अच्छी नस्ल का ऊँट दिखाएंगे कि कौन सी अच्छी नस्ल है। ये आप देख सकते हैं, ये बख्शली
भाई के अपने ऊंट है, इन्होंने यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। बख्शली भाई ने इसको अच्छा ट्रेन किया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ऊँट से। ऊँट बहुत खतरनाक दिखते हैं मुझे। आजा आजा, ले जाओ। ये नर है या मादा है? नर है। नर है। इसकी कितनी उम्र होगी आपको? इसको 7 साल। ये 7 साल उम्र है इसकी। अच्छा, तो इसको और क्या क्या खिलाते हैं आप? ग्वार की कुट्टी। ग्वार की कुट्टी है ये? ग्वार का भूसा नहीं, भूसा। भूसा खिलाते हैं दोस्तों इनको। ये कितने का है तकरीबन? ये 2 लाख। 2 लाख का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे। और ये कब बेचेंगे आप फिर? मंडी पर बेचेंगे। मंडी? हाँ, तो मंडी मंडी में बेचने के लिए ये रखा हुआ है इन्होंने 2 लाख का ऊँट। अगर किसी भाई को चाहिए तो ये, तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें बता दो। 0342-6378-17। टेलीनॉर की सिम है, टेलीनॉर का नंबर है, इन्होंने बता दिया है। किसी भी भाई को चाहिए तो इनसे रब्ता करें, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, बख्शली भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और चलो अभी बख्शली भाई से अलविदा कहते हैं, अल्लाह हाफिज़। किसी को ऊँट चाहिए तो बख्शली भाई से रब्ता करें, ठीक है। बड़ा मज़ा आया यहाँ पर ऊँट ऊँटों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत डर भी लगा मुझे, क्योंकि ये ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें निकाल रहे थे और ज़बान निकाल रहे थे मुँह से ऊँट। ज़ैनब, कैसा लगा आपको ऊँट देख कर? बहुत अच्छा। ऊँट कैसे कर रहा था? तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। चलो अलविदा करते हैं इनसे, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो ये मेरा चौकीदार है बड़ा, थैंक यू। ये भाई चौकीदार हैं, जैसे कि इनसे मिलाया मैंने। और ये अंकल भी है हमारे साथ। और क्या तो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है। चलो इनसे अलविदा करते हैं, बाय बाय। आपका नाम? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। तो ये गेट है हाला का, एंट्रेंस गेट है। और हाला के एंट्रेंस गेट और भी है 2-3, तो पेट्रोल पंप भी है इसके साथ।
और ये जो गेट है हाला का एंट्रेंस, इसका नाम है मखदूम ज़हीरुद्दीन उर्फ परू जामसाई। तो दोस्तों बहुत शाम हो चुकी है और हम लोग अभी घर जा रहे हैं, और घर जाकर फिर हमें जाना है कहीं और विजिट के लिए। तो हमारे साथ रहें और यूं ही मज़े करते रहें।